सुबह सुबह ही उठने की पानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें चुप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं बाबा नाइक फैमिली, बाबा नाइक की फैमिली है ना, इसलिए उमना सुबह ही सुबह जाना मैंने पहले बिस्तर वगैरह समेटे। वीडियो की शूटिंग तो मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग करनी थी लेकिन थोड़ी सी एडिटिंग बाकी थी जिसकी वजह से बच्चों ने हर चीज़ समेट ली है। और बच्चों की चाचू इधर ही हैं, उनका बनाना है जी नाश्ता। और हमने क्या करना है सालो लेते हैं स्किप कर दिया आपको थोड़ा थोड़ा हम उमना को लगा लेते हैं जी तेल, ठीक है इसको हम लगा लेते हैं तेल। चले जी हमने लगा लिया उन्ना को तेल, अब हम चलते हैं जल्दी किचन की तरफ और नाश्ता बना लेते हैं और बनी आपको मिलते हैं ना। शूज मेरा कल मिस, आइए चलते हैं किचन की तरफ स्किप करके। तो मैं आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने, आटे की पूड़ी बनाने। चार साल छोड़ी कल तक साले पतीला के ना सड़ा हुए। बच्चे अपना ले आते हैं बस बंद कर देना, एक फाइनल हो जाए। फाइनली व्यूअर नाश्ता हमारा बन भी गया और सब ने खा भी लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ कर रही थी जी वीडियो की सेविंग, तो यहाँ से मैं डाउनलोड करके दूसरे अपने चैनल पर डाल रही हूँ, यहाँ से डाउनलोड हो रही। और बच्चे क्या कर रहे हैं आपको विजिट करवाते हैं। सबसे पहले तो हमजा अभी दूध लेकर आया है और उमना जो है ना वो अपने फैशन में लगी हुई है देख रहे हैं, और हानी हमजा तूबा जो है ना वो लगा रही है जी पोछा। सालिया बर्तन धो रही है, ये देखें ये बर्तन भी धुल रहे हैं पोछा भी लग रहा है। और हानी अपनी पढ़ाई करिए, हमजा चलो आप भी अपनी पढ़ाई कर। घर से निकलने की वीडियो शूट नहीं कर सके हूँ, काम वाम सारे से बैठने के बाद बच्चों को अपने अपने कामों में लगाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ जी पढ़ाने, क्योंकि मेरा रिक्शा आ चुका था और मैंने थोड़ा जल्दी 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 वो करना था। अगर घर खड़ी रहती वीडियो की शूटिंग करती रहती तो देर हो जाती। सो यहाँ हम पहुँच चुके हैं जी अपने फर्स्ट ट्यूशन, मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट दूर है, रिक्शा जो है ना आते आते लगाता है। सो हम सबसे पहले पहले अपने ट्यूशन जो है ना वो पहुँच चुके हैं और माशाल्लाह से वेदर भी अच्छा हो रहा है, इतनी ख़ास गर्मी नहीं है जैसे पहले होती है ना वैसी नहीं है। ट्यूशन पहुँचते ही मेरे स्टूडेंट ने मेरे आगे रखे हैं जी मैंगो और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं मैंगो खाते हैं, ये तो है जी गर्मियों का तोहफा। और आपको मिलेंगे जी लास्ट ट्यूशन में, टाइम यहाँ जो है वो हो चुका है जी 3:30 का और हमारा जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी जी लास्ट ट्यूशन है। और यहाँ से अब हम जाएंगे जी घर, सीधी पूछो तो आज थोड़ी मेरे न टांगों में दर्द है क्योंकि आज मेरे ट्यूशन जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे, मतलब सारे आज सबको मैंने पढ़ाया है ना, थकावट हो चुकी थी। और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, घर जाकर आपसे मिलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि आज हमने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। तो शाम का टाइम है, जैसे कि आपको पता है हमारी मशीन जो है ना वो ख़राब है और हम धोते हैं हाथ पे कपड़े, सो कपड़े जमा किए जा रहे हैं। मशीनें तो आप बनते हो तो ये कपड़े जो है ना ये जमा कर रहे हैं। आज हमारी बेडशीट भी खराब हुई है ना, वैसे तो ये भी खराब हुआ है, इसको गद्दे को
और आपको भी अभी एक और सैड खबर दें, आज मुझे बहुत ही ज्यादा वो था, भरोसा था कि आज मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे, लेकिन आज वो फिर हॉस्पिटल एडमिट हो गए। बस पता नहीं क्यों, पहले वो मेरी सास के घर थे कुछ छुट्टी पर, और वो फिर एडमिट हो गए। तो फिर आप घूम के बात चली जाओगी आज? नहीं नहीं देखो अब क्या करते हैं डॉक्टर, अब ऑपरेट तो होंगे, इतने सारे हो चुके हैं, पता है दुनिया सिर्फ बातें कर सकती है और कोई किसी का दुख या कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैं जब शुएब से बात कर रही थी तो बस काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत जो है ना वो अपसेट हो गई थी, तो फिर उठी हूँ, बच्चे मेरे कह रहे थे कि मामा हमें जल्दी जल्दी नहलाओ, उन्हें हट जाओ और हम आप ही होने ले जाएं, और हम ना बस कोशिश मेरी होती है कि मैं अपने बच्चों को ना मतलब इतना फील ना होने दूं, क्योंकि अगर मैं भी कमजोर पड़ गई तो मेरे बच्चों की कौन करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे चैनल को जो है ना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने हस्बैंड का जो है ना अच्छी सी जगह से इलाज करवा सकूं। और जो मेरी पिछले वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको तो सारी सिचुएशन पता है कि मैं इस टाइम किस मुश्किल से गुजर रही हूँ, तो ये चलते सारी चीजें ना काफी ज्यादा मैली हो रही हैं, तो इस तरह ना मैं जब बैठी रहूंगी तो हस्बैंड की सोच, हस्बैंड मतलब जो करेंगे मेरे दिमाग पे घूमता रहेगा, इस तरह काम में लग जाऊंगी, थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। उठाओ उठाओ जाओ हानी जी, इधर आओ ना, ये सारे कपड़े उठाओ और वहां स्किप कर। टाइम जो है ना वो देखें, ये हो रहा है जी 7 बजने वाले हैं और बच्चों को भी छुट्टी होने वाली है। आज कपड़े जो ना काफ़ी ज़्यादा हुए पड़े थे, बेडशीट थी, सोफ़ों के थे, इन्होंने भी एक एक बार सुबह में चेंज किए हैं, और 2 सूट इनके थे, एक मेरा पहले पड़ा हुआ था, तो सो काफ़ी सारे कपड़े हैं, इन सबको धो लेते हैं और शाम भी हो जाएगी तब तक, क्योंकि मगरिब की अजानें जो ना वो शुरू होने वाली हैं। ये देखें जी, आज ये सारे कपड़े हमने धोए हैं, और वैसे भी जिस दिन चादर ये हो जाए ना, बेडशीट उतर आए, तो उस दिन आपको पता है कपड़े हो ही जाते हैं, तो ये सारी तारें आज जो है ना भर चुकी हैं। यहाँ जो है छिपकली मरी हुई पड़ी थी, बच्चे वाशरूम ही नहीं जाते थे, मैंने तूबा को कहा है, मैंने कहा ये ना कूड़ादान में उठा लो, ताकि बच्चे जो है ना हमारे इजीली वॉशरूम जा सके ना, तो हमज़ा जा रहा है जी फेंकने इसको, शाम का टाइम है। कपड़े वगैरह धोकर फारिग हुए, हमज़ा जा रहा है जी रोटी पकवाने, और हमने आज खानी किस चीज़ के साथ है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सालन जो है वो आज मैंने नहीं बनाया, अगर बनाती तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती, लेकिन इरादा हो रहा है जी हम बनाएं अंडा और प्याज। यहाँ साथ साथ स्टूडेंट भी मेरे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और मैं जो है ना कटिंग कर रही हूँ प्याज़ों की। ये देखें कपड़े मेरे सारे भीगे हुए हैं, और अभी तक मैं उठी नहीं हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, वो भी उठती हूँ, ये वाले जो कपड़े हैं ना ये फिर कल ही धोऊँगी, क्योंकि इस एक टाइम में मैं धोती हूँ और एक टाइम इकट्ठे ही कर लेते हैं सारे। अंडे वो देखें आए हुए, अंडा और प्याज जो है ना वो बनाया जा रहा है, बनाएंगी मेरी बच्चियाँ ही, मैं सिर्फ काट के दे दूंगी, क्योंकि मेरे अपनी बॉडी में इतना दर्द है, इतने ट्यूशन पढ़ाकर जब मैं आती हूँ फिर साथ में ऑनलाइन स्टडी करवाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो आपको यहाँ दिखाते हैं इसकी रेसिपी, बच्चे आज कैसे बना रहे हैं ना, अंडा और प्याज। घी मैंने इनको बताया कितना डालना है, डल चुका है, और प्याज़ों की कटिंग भी इधर ही मैं ख़ुद करके दे रही हूँ साथ साथ, ये देखें ये बनाती जाएंगी, इनको मैंने कहा खुद ये बारीक बारीक प्याज जो ना वो सॉरी क्या काटें टमाटर, तो एक छोटा सा प्याज और मैंने मंगवाया था,
ताकि खाना पूरा हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं और सबको ही पूरा करना होता है। यहाँ ये प्याज़ों को हल्का सा मैंने फ्राई करने के बाद ही ये मैंने कहा टमाटर डालना। तो काटने का अंदाज़ आप देखें, मेरे ख्याल में तूबा मैडम काट रही है, और इधर से हमारी जो है ना वो रोटियां बनकर आ चुकी हैं। हमज़ा ख़ान हमारा जो है ना वो रोटियां लेकर आ गया है। इसको सारा हॉट पॉट में रखना है ताकि ये ठंडी ना हो जाए। तो हॉट पॉट में सारी रोटियां रख देते हैं और खाने की तैयारी जो है ना वो होगी। खुद ही हॉट पॉट ये साफ़ कर रहा है, और ये देखें ये सारी तरबियत हम अपने बच्चों को ना खुद ही देंगे तो ही होगी ना। जब हम बच्चों से नहीं काम करवाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। ये देखें ये जो है बड़ियाँ खड़ी होकर ना वो बना रही हैं, और कुछ थोड़े थोड़े ना इन्होंने पतीले से जलाए भी हुए। यही चीज़ें मैं इनको सिखाती हूँ, जलाया ना करें बस चीज़ को। तो यहाँ सारे मसाला जात शामिल कर रही हैं, टेस्ट खाने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो ऊपर तक चम्मच हिलाती ना तो तब ये ना होता। वो प्याज जले हुए खड़े हैं तो खड़े हैं। ये होता है बड़ों का और छोटों का बनाने का जो ना अंदाज़ कुछ इसी तरह से ही होता है। अब इतनी एज तो नहीं है इन लोगों की भी। खैर तूबा जो बना रही है ये 9th क्लास की स्टूडेंट है, बड़ी 10th की। तो 2 अंडे इन्होंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, और अब जो है ना थोड़ा बहुत हिलाया जा रहा है। तो शाम को भी खा लेंगे, और सुबह जिसका दिल यही करता है चाय के साथ खाने को तो शाम को भी सुबह में भी खा लेगा। तो वैसे दिखने में बस ज़रा फिक्का फुक्का सा लग रहा है। तो बच्चे मेरे लिए जो है ना ये बचाई हुई थी रोटी ले आए, मैं भी अभी फ्रेश होकर आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, इसी टाइम ही मैं नहाती हूँ ना। तो मेरे लिए ये इनका आ चुका है थोड़ी सी भिंडियाँ, और साथ में जो है ना अंडा प्याज जो अभी बनाया वही है। तो जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।